हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ 9th स्टैंडर्ड मैथ्स सेट्स. ओके, वीडियो नंबर 3. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वेन डायग्राम. ओके, वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेट्स. व्हाट इज वेन डायग्राम? इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. कोई भी सेट को जब आप किसी पिक्चर के थ्रू इंडिकेट करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम. उसे हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं. जनरली आप वेन डायग्राम को अगर यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करना है तो रेक्टेंगल से, और अदर सेट्स अगर है तो उसको आप सर्कल से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप इनके अलावा भी शेप्स प्रिफर कर सकते हो, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जनरली यूज किए जाते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल सेट अगर है तो आप उसको रेक्टेंगल से इंडिकेट करोगे, और उसके अलावा अगर कोई सेट्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं देन यू विल बी यूजिंग सर्कल. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सी दिस, A is the set of all vowels in English alphabet. ठीक है, सारे ओवल्स हमारे पास कितने, A set हो जाएगा आपका लिस्ट मेथड से, A, E, I, O, U, है ना. ये आपका क्या है, सेट है. इसको मैंने सर्कल में ऐसे रिप्रेजेंट किया, A, E, I, O, U, सर्कल के अंदर, और सेट का जो नाम है वो सर्कल के बाहर किसी तो भी कॉर्नर में. ठीक है, इसके बाद में B सेट देखो. B सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिक्स एलिमेंट्स से सर्कल बनाओ, उसके अंदर सिक्स एलिमेंट्स कहीं पे भी लिखे तो भी चलेंगे. ठीक है ना, लेकिन हर एलिमेंट दूसरे से सेपरेट दिखना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. दिस इज द नेम ऑफ द सेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिप्रेजेंट दीज सेट्स बाय वेन डायग्राम. ए आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, और बी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8. ये आपको एक सिस्टम के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करना है एक ही डायग्राम से. तो आपके ध्यान में आएगा कि 2 और 4 ये दो नंबर्स दोनों में क्या है, कॉमन है. तो आप क्या करोगे, कॉमन दो सेट्स मैंने ड्रॉ किए, जो उनका कॉमन वाला पार्ट है वो बीच में. अभी ये पार्ट देखो आप, ये पार्ट आपका दोनों सेट में को बिलोंग करता है ना, इस सर्कल को भी बिलोंग करता है और इस सर्कल को भी बिलोंग करता है. तो 2 और 4 क्या आएंगे, मिडल में आएंगे, बाकी बचे हुए ए के एलिमेंट ए के साइड में, बी के एलिमेंट बी के साइड में. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट्स बाय वन वेन डायग्राम. चलते हैं नेक्स्ट. ए इज द सेट ऑफ वर्ड्स इन टीचर एंड बी इज द सेट ऑफ वर्ड्स इन प्रीचर. ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, कॉमन कौन कौन से देखो, ई ए सी एच, ये मिडल में, ई ए सी एच बचा कौन, टी, और एक मिनट, आर भी है ना, आर भी आएगा मिडल में. अभी मिडल में आर मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ. ठीक है, इधर के साइड में आएगा टी, इधर के साइड में आएगा पी. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज वेन डायग्राम ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी. ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना. ओके, मैं जो डायग्राम्स ड्रॉ कर रही हूँ या जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे करना है. ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. आप अगर मेरे साथ साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करोगे तो आपको बाद में फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है, 5 नंबर. सपोज मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू, सपोज हम लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, और बी सेट है मेरे पास 1, 5, 9, 11 और 13. आपको क्या बोला, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी. आपको ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है. तो ए यूनियन बी आप डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो पहली चीज आपकी है, मैंने ड्रॉ किया ए, ए और बी में कुछ कॉमन है ना, ए और बी में क्या है, कुछ नंबर्स कॉमन है. तो ये कॉमन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, कॉमन को आप कॉमन ही लिखोगे एक जगह पे ये. ठीक है, अभी इसको ड्रॉ करो, ये 5 और 9 यहाँ पे बीच में आ जाएगा. ठीक है, बचे हुए 1
थ्री और सेवन इधर के साइड में, और इधर बचे हुए एक मिनट है, वन भी कॉमन है, सॉरी वन इज ऑल्सो कॉमन, तो वन आप यहाँ पे लिख दो हुँ? और इधर बचे क्या इलेवन और थर्टीन इधर बचे हुँ? अभी अगर मुझे ए यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ, तो ऑल एलिमेंट्स मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट, जो कॉमन आते हैं वो एलिमेंट एक बार, जो अनकॉमन आते हैं वो एलिमेंट्स भी एक बार, और ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है आपका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते समय आप क्या करोगे, ये पूरा पार्ट शेडेड करोगे, ओके। सो दिस इज वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी, दिस इज वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। आपको ए यूनियन बी जनरली अभी हम प्रैक्टिस रखेंगे कि इसके बाहर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो हम यू से इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज वॉट, दिस इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में दो ग्राफ्स आपके कैसे आए, ओवरलैप्ड आए एक के ऊपर एक, और पूरा पार्ट हमने क्या किया है, शेडेड किया है, दैट इज ए यूनियन बी, समझा। अभी यही प्रॉब्लम के लिए अगर आपको ऐसे दिया होता कि ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में का कॉमन पोर्शन। अभी सिर्फ कॉमन पोर्शन आपको हाईलाइट करना है, तो कैसे करोगे आप, मैंने ड्रॉ किया यूनिवर्सल सेट। ये डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप स्केल को तो भूल ही जाओ, क्योंकि उससे स्पीड कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, मेरा सर्कल एग्जैक्ट सर्कल नहीं आ रहा है लेकिन देख के समझ में आता है, हमें यहाँ पे कहाँ रेडियस वगैरह मेजर करके ड्रॉ करना है, बराबर है ना। तो पेन से ड्रॉ किया तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी डायग्राम आपकी नीट एंड क्लीन आनी चाहिए, ठीक है। ये है मेरा सेट ए, ए और बी ओवरलैप तो होते ही है ना, ओके। ये है मेरा सेट बी, दोनों में के कॉमन एलिमेंट्स मैंने बीच में लिखे 1, 5, 9, बचे हुए एलिमेंट्स मैंने इधर साइड लिखे 11, 13। अभी मुझे बताओ आप, बी इंटरसेक्शन ए क्या इंडिकेट करता है, बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए और बी में के कॉमन एलिमेंट, ए और बी में के कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट आपने, आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है इस रीजन में, है ना, जो ओवरलैप हुआ रीजन है ये, इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। एंड दिस इज योर बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी, नो प्रॉब्लम, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन और कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ कर लो दोनों के दोनों, रुको यहाँ पे, पॉज करो वीडियो को और ड्रॉ कर लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, ए इक्वल टू 1, 2, 3, सॉरी, एंड सपोज यूनिवर्सल सिटी सेट इज 1 to 10, ओके। इसके लिए ड्रॉ वेन डायग्राम, फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके लिए वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम कैसे आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में तो नहीं है लेकिन यू में है, ए में नहीं है यू में है, ऐसे एलिमेंट्स कौन से आएंगे यू में के, 1, 2 और 3 जो ए में है वो छोड़ दो, बाकी के सारे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। चलो ड्रॉ करो डायग्राम, ये है आपका यूनिवर्सल सेट यू, इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, मैं 1, 2, 3 का ग्रुप बनाती हूँ,
ये हुआ मेरा ए सेट, है ना। बाकी के बच्चे एलिमेंट बाहर लिखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अभी एक कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, एक कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, जो ए में नहीं है वो सब, जो ए में नहीं है वो सब मतलब कौन सा, ये वाला पोर्शन। बराबर, ये पूरा पोर्शन अगर आप शेडेड करोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है आपका ग्राफ, ये काय का ग्राफ है, ए इंटरसेक्शन नहीं सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये आपने क्या किया, ए पोर्शन जो है आपका हाईलाइटेड नहीं है, ए छोड़ के बचा हुआ जो है वो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे एक एग्जाम्पल या नोट करके लिखेंगे अपन कि ये अगर यू है एंड सपोज दिस इज योर ए, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए, देन ये आपका यू है, दिस पोर्शन इज, इफ दिस पोर्शन इज ए, देन जो बचा हुआ पोर्शन है आपका, ये बचा हुआ पोर्शन आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ओके, दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद में अगर मुझे ए माइनस बी रिप्रेजेंट करना है, ए माइनस बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए माइनस बी का मीनिंग पहले तो ध्यान में रखो कि ए माइनस बी मतलब क्या, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच इज नॉट इन सेट बी, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ये आपका यूनिवर्सल सेट। सपोज हम इमेजिन करते हैं कि हमारे दो सेट ओवरलैप होते हैं, कौन से एलिमेंट कॉमन है कोई जरूरत नहीं, लेकिन ए माइनस बी का मतलब क्या, ए का ऐसा पार्ट जो बी में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला, देखो जो ए और बी का कॉमन पार्ट है ना, वो कॉमन पार्ट भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जो कॉमन पार्ट है वो भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम बोलेंगे ए माइनस बी, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी बोलेंगे, ओके। सो दिस इज वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी, ठीक है। अभी एक आखिरी सेट बचा है हमारे पास, तो वो हम इसी साइड में लिखते हैं, यहाँ पे देखो आप, एट जो आपका सेट है, सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए के पूरे एलिमेंट्स बी में हैं, ए के पूरे एलिमेंट्स कैसे हैं, बी में हैं, तो इसको कैसे लिखोगे आप, मतलब पहले आपको बी ड्रॉ करना पड़ेगा, बी के अंदर ड्रॉ करो आप सी, सॉरी सी नहीं, ए, बी के अंदर ड्रॉ करो आप ए, ये हो गया आपका सबसेट, यूनिवर्सल सेट बाहर है ही, हर बार आपको यूनिवर्सल सेट दिया ही होगा, जरूरी नहीं है, हाँ। सो दिस इज वेन डायग्राम फॉर ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हमने इसके 8 एग्जांपल्स देखे अलग अलग, और ये 8 तरह के डायग्राम्स आपको ड्रॉ करते आने चाहिए, पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, 8 नंबर सबसेट, उसके बाद में ये है कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के बाद में दिस इज ऑल्सो फॉर कॉम्प्लीमेंट, और ये है माइनस के लिए, ठीक है ना।
इसके पहले सेट के लिए हमने कैसे ड्रॉ किए था, ये ऐसे ड्रॉ किए थे सिंपल वाले डायग्राम्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वेन डायग्राम। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इट। हमारे पास कार्डिनल नंबर्स हमें पता है ना, कार्डिनल नंबर्स के ऊपर से हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे और वो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। सी, हेडिंग डालो, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑन कार्डिनल नंबर्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन क्या है देखो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? यूनियन का मतलब क्या होता है देखो ध्यान से समझो इसको क्या है। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन मतलब तीनों एलिमेंट में के, तीनों सेट्स में के कॉमन एलिमेंट। तीनों सेट्स में के कॉमन एलिमेंट्स अगर मैंने किया तो यहाँ पे पहली बात तो चीज एक है कि जो दो सेट में कॉमन एलिमेंट है, दो सेट में कॉमन एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे, और जो तीन सेट में कॉमन एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे, है ना। तो हमने पहले क्या किया, पहले इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर्स उसके ऐड किए। अभी इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर अगर आपने ऐड किए तो देखो उसमें से आपको यहाँ पे ए और बी के जो इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स है वो फिर से आ गए, वो माइनस करो। ए और सी में के कॉमन एलिमेंट्स फिर से आ गए, वो माइनस करो। बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स आ गए, फिर से आ गए ना, वो भी आप क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो। और उसके बाद में एक बार तो कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए ना उसमें, तो वो तीनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नंबर इसमें क्या करो, आप ऐड करो, ठीक है। तो ऐसे बनता है ये फॉर्मूला। अब भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो हम एग्जांपल से चेक करके देखते हैं, ठीक है। देखो तो पहले ऊपर का फॉर्मूला देखते हैं। मेरे पास ए इक्वल टू है सपोज 1, 2, 3, 4, 5 और बी इक्वल टू है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। चलो पहले हमें क्या क्या लगने वाला है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी लगने वाला है, निकाल लो। ए यूनियन बी इक्वल टू आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, बराबर है। और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन वाले बोलो क्या आएंगे, कॉमन वाले क्या है 2 और 4, ये दोनों कॉमन है ना। अभी हर किसी का कार्डिनल नंबर हम उसके बाजू में लिख लेते हैं। एन ऑफ ए आएगा यहाँ पे 5, एन ऑफ बी आएगा अगेन 5, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 2, ठीक है। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 8 है।
एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 8 है। अभी राइट हैंड साइड लिखो, ये थी आपकी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, दोनों के कॉमन, दोनों की अलग अलग एडिशन हमने की, बाद में से कॉमन किया, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये आया आपके पास 5 प्लस 5 माइनस 2, 10 माइनस 2 यानी कि 8। देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसमें से, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो भी आप इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हो, बनाओगे ना? ओके, अभी यहाँ पे बताऊंगी तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं लिख रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या प्रूव करना है, सेकेंड फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रूव दैट एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ क्या, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने की एक ही मेथड है आपके पास, कौन सी, तीन कोई भी सेट लो और प्रूव करो। चलो ए लो 1 2 3, बी लो 3 4 5, सी लो 5 6 7, ठीक है। एन ऑफ ए आ गया 3, एन ऑफ बी आ गया 3, एन ऑफ सी आ गया 3, ठीक है। अभी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। एन कितना आएगा इसके लिए, एन ऑफ ए यूनियन चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू आएगा 7, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इंटरसेक्शन निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में आया आपका 3, बी इंटरसेक्शन सी में आया आपका, बी और सी में कॉमन है आपका 5, और ए में सी और सी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो ये आएगा नल सेट, ठीक है। यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आया 1, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में आया 1, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में आया 0, ठीक है। अभी तीनों में से कॉमन कुछ निकलेगा क्या, देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है क्या तीनों में कुछ कॉमन, तीनों में ए ऑफ ए, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन बी लो, कितना आया 3, और उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लो। अगर आपने सी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये कितना आया आपका, नल आया, ठीक है। अभी देखते हैं, तो देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3 3 4 5 5 6 7, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, अरे यार सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, मुझे एन निकाल था ना था ना, सिर्फ एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी हाँ, इक्वल टू कितना, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 7 एलिमेंट्स है, ओके, यहाँ पे लिखे मैंने 7, ये हो गया मेरा एल एच एस, है ना। आर एच एस कितना है देखो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बाप रे, प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ माइनस ए, यहाँ पे
माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 plus 3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 1 माइनस 0 प्लस बी क्या है 0 है, है ना। एन ऑफ ये कितना हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 हुआ, मतलब ये आएगा 9 माइनस 1 8 माइनस 1 7। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इज वेरीफाइड, दोनों के बारे सेम आई, मतलब दिस इज वेरीफाइड। ओके, तो ये थे दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। कौन से ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, नोट करने, इसके ऊपर बेस्ड कई सारे प्रॉब्लम्स हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कौन से दो फॉर्मूले देखने हैं हमें, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑन कार्डिनल नंबर्स, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट फाइल में देखते हैं।